खबर कोरिया जिले से है, जहां जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ और एनसीबी कर्मचारी ने 3 सूत्री की मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के प्रेमा बाग परिसर में आज धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों के वेतन मान व अन्य सुविधाएं दे, साथ ही सेवा नियम 2018 की आंशिक संशोधन करते हुए पुनरीक्षित वेतन लागू की जाए। इसके आगे उन्होंने कहा कि धान उठाव में देरी होने के कारण जो धान की सुख्त हुई धान के कीमत की वसूली समितियों से ना की जाए, इस वसूली के कारण समितियां नुकसान में जा रही हैं। इसी क्रम में सहकारी समिति अध्यक्ष अजय साहू ने बताया कि इन्हीं मांगों को लेकर 4 नवंबर को प्रदेश स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम अजय कुमार साहू है और समिति कर्मचारी संघ कोरिया प्लस एनसीबी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और हम लोग का प्रमुख 3 सूत्रीय मांग है जो शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। पहला मांग है हमारा जो है मध्य प्रदेश के भांति ब्याज वेतन अनुदान हमको दिया जाए, छत्तीसगढ़ में भी दिया जाए, लागू किया जाए। दूसरा मांग है सेवा नियम, सेवा नियम में जो है हमको 50% कर्मचारियों को समिति से रखना है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है, जो कि सीधी भर्ती हो गई है और कर्मचारी जो कार्यरत हैं समिति में उनको आज तक अभी कोई भी आगे उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है रेगुलर के लिए। और तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग है जो धान सुखद जो आ रहा है समितियों पे, सही समय पे उठाव नहीं हो रहा है, उसके लिए शासन प्रशासन से निवेदन किया गया है कि जब तक समय पे उठाव नहीं होगा तो हमारे द्वारा धान खरीदी कार्य नहीं किया जाएगा। और जो अभी वर्तमान में 24-25 में धान नीति आया है उसमें रवि कुमार साहू है, मैं समिति प्रबंधक समिति सरभोका से हूँ। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, 3 सूत्री मांगे हैं। पहला मांगे हैं हमारा कि जो मध्य प्रदेश में प्रबंधकी वे दिया जा रहा है उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी प्रबंधकी वे लागू किया जाए। दूसरा मांगे हैं कि सेवा नियम में जो आवश्यक संशोधन करना जरूरी है जिससे छत्तीसगढ़ में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित की 50% पर पद पर नियमित किया जा सके। और तीसरा मांगे हैं जो धान खरीदी से संबंधित है, जो धान खरीदी का लेट उठाव होता है उससे समितियों बहुत सारी सुखत आ रही है।